कलकत्ता हमरो जवनिया ए राजा। दोस्तों नमस्कार, आपने देखना शुरू कर दिया है फिल्मी स्टोरी नंबर वन। दोस्तों आज हम लेकर आए हैं काजल राघवानी से जुड़ी ही महत्वपूर्ण बातें। जी हाँ, काजल राघवानी भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री की एक जानी मानी एक्ट्रेस हैं। आज हम काजल राघवानी के पर्सनल लाइफ से लेकर उनके प्रोफेशनल लाइफ तक के हर पहलू पर नज़र डालेंगे। आप हो जाइए तैयार और चलिए काजल राघवानी के इस कहानी को सुनते हैं और जानते हैं। भोजपुरी एक्ट्रेस काजल राघवानी का जन्म 20 जुलाई 1990 को पुणे महाराष्ट्र में हुआ था। वे शुरुआत से ही अपने परिवार के बेहद करीब रही हैं। काजल एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती हैं और अपने माता पिता और भाई बहन एक साथ ये लोग रहते हैं। इनका पिता का नाम तो ज्ञात नहीं है, पर इनका माँ का नाम शारदा राघवानी है। इनकी बहन का नाम धर्मनिष्ठा मिस्त्री है और भाई का नाम विमल राघवानी है। मशहूर अभिनेत्री काजल ने पटना यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की और अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने भोजपुरी इंडस्ट्री में अपना रुख किया। काजल का उम्र इस समय लगभग 35 वर्ष है और मैं बता दूं कि उनका गांव का नाम तेघरा है, जो बिहार में ही है और निवास करती हैं पुणे महाराष्ट्र। दोस्तों जिस गाने को आप सुन रहे हैं ये सबसे ज़्यादा भोजपुरी में बजने वाले गानों में शुमार है। ये पवन सिंह के साथ ये गाना जो इन्होंने जो शूट किया ये तो कमाल का था। इसका हर लहजा, हर स्टाइल और डांस इतना मेल खाया कि सारे दर्शक इस गाने को देख कर के सुन करके पागल हो गए। आपको ये गाना कैसा लग रहा है कमेंट करके बताइएगा। पहले 2013 में भोजपुरी फिल्म में आदित्य ओझा के साथ फिल्म अभिनय की शुरुआत की थी। उनकी प्रमुख भोजपुरी फिल्में रहीं प्रतिज्ञा 2, हुकूमत, पटना से पाकिस्तान, मुकद्दर, मेहंदी लगा के रखना, मैं सेहरा बांध के आऊँगा और 2011 में भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री सगुना से, और उन्होंने भोजपुरी इंडस्ट्री में अपने कैरियर की शुरुआत की। काजल राघवानी का बचपन संघर्षों में बीता, लेकिन एक बार जब उन्होंने बड़े पर्दे पर कदम रख दिया तो उसके बाद उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। काजल इंटरनेट पर छाई हुई रहने वाली सबसे मशहूर अभिनेत्रियों में से एक हैं और तो और जब ये गाना जब बजा था तो न सिर्फ भोजपुरी का बल्कि हिंदी फिल्मों के भी गाने के भी सारे रिकॉर्ड को तोड़ दिया था। बहनों और भाइयों, तो आइए आपको सुनाते हैं ये गाने का और भी बेहतर लाएं तो दिल थाम कर बैठें और सुनिए, इस गाने का आनंद लीजिए। काजल जितने भी भोजपुरी हीरो हैं सबों के साथ काम किया है और सबों के साथ इनका कम्युनिकेशन काफ़ी बढ़िया है। कारण कि एक बहुत ही मृदुभाषी व्यक्तित्व की धनी लड़की हैं और सभी हीरो से साथ इनका कम्युनिकेशन जो है ना बहुत फिट बैठता है। जितने भी हीरो हैं सभी काजल राघवानी के साथ काम करना चाहते हैं और दर्शक भी काजल राघवानी के हर फिल्मों को हाथों हाथ लेता है। राघवानी को 2016 में दुबई में अंतर्राष्ट्रीय भोजपुरी फिल्म पुरस्कार में भोजपुरी सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री पीपुल्स च्वाइस अवार्ड भी मिला। काजल राघवानी की फीस सुनिएगा तो आप चौंक जाइएगा। जी हाँ, काजल अपनी एक फिल्म में काम करने के लिए 10 से 20 लाख रुपए चार्ज करती हैं। भोजपुरी फिल्मों में उनके पसंदीदा अभिनेता खेसारी लाल यादव और के हैं और खेसारी लाल यादव और काजल राघवानी की जोड़ी है जो सबसे ज़्यादा पसंद की जाती है। उन्होंने ज़्यादातर फिल्में जो हैं वो खेसारी लाल यादव के साथ की हैं। राजा हम तक खटिया बिछवनी देख लगा के मच्छरदनिया हो। काजल राघवानी की ये बातें, ये कहानी कैसी लगी है कमेंट करके बताइएगा। इन्हीं बातों के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। अगले वीडियो में आपसे पुनः मुलाकात होगी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाइएगा ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक मिलता रहे। अगर आपने काजल राघवानी का कोई भी फिल्म देखा है तो वो भी कमेंट करके बताइएगा। चली चली रानी हम हूँ।